गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स एंड इन विच वी विल स्टडी द हाउ कैन वी फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इन आवर लास्ट वीडियो वी नो दैट वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट. पहली मेथड हम यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से हम के की यूनिट, रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट देख करके भी हम ऑर्डर को बता सकते हैं. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन या डिराइविंग इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन. आपको सिंपल एक इक्वेशन गिवन होती है, उसमें कहा जाता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसके लिए आप लिखिए. तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इंटीग्रेटेड रेट मीन्स जो आपको रेट पता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, उसका इंटीग्रल फॉर्म. इंटीग्रल फॉर्म में हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं. ठीक है, एज यू नो ऑल यू हैव मैथ्स, तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली नहीं है. ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इसके लिए हमने कंसिडर की है एक रिएक्शन, ए इज द रिएक्टेंट विच चेंज इन टू बी, दैट मीन्स बी इज प्रोडक्ट. देन द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, दिस इज इक्वल्स टू के. अब कैसे ऑर्डर रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट पावर जीरो. ठीक है, ए पावर जीरो, किसी भी टर्म की पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है वन. ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए रेट लॉ लिखते हैं तो क्या आएगा, आर इज इक्वल्स टू के ए पावर जीरो. तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, दैट इज इक्वल्स टू के. माइनस साइन लगाया फॉर डिसअपीयरेंस के लिए, और ए हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसकी पावर जीरो है. तो अब ये अगर हम इसको इनफाइनाइट टाइम के लिए लेते हैं कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो, देन इट कन्वर्ट इन टू डिफरेंशियल फॉर्म डी ए अपॉन डी टी. ठीक है, इज इक्वल्स टू आया k. ठीक हो गया. अब इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू टी. इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों तरफ आप इंटीग्रेट का साइन लगाइए. यहाँ यहाँ भी इंटीग्रेशन लगाया हमने, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन लगाया. तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो यहाँ डी टी को ऊपर लेके गए तो क्या आ गया हमारे पास, डी ए इज इक्वल्स टू के डी टी. ठीक है, अब ये डी ए मतलब डी एक्स. डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस सी ए कॉन्स्टेंट, दिस इज इक्वल्स टू के टी. ठीक है, यहाँ पर एक टर्म हम ले सकते हैं, एक लाइन बीच में मैं बोल रही हूँ, आप उसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स, इसका इंटीग्रेशन आप यहाँ पे पहले साइन लगाएंगे. ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, डी ए की जगह पे आप लिखेंगे ए प्लस सी इज इक्वल्स टू के टी. फिर इनिशियली वेन टी इज इक्वल्स टू जीरो, वो सी क्या है, सी इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू लेनी है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वेन टी इज इक्वल्स टू जीरो, तो ए जो है, ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्टार्टिंग में कितना होगा ए नॉट. तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिया हमने, ए टी प्लस ए नॉट सी. और अगर आप इक्वेशन करते हैं, कौन डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, तब आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका आ गया ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी. ठीक है, अब इसी के लिए हाफ लाइफ. हाफ लाइफ एक टर्म है बच्चों, जो कि यूज होता है कि व्हेन इट इज द टाइम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉल्स टू इट्स हाफ इनिशियल वैल्यू, मीन्स जितने टाइम में वो अपनी टोटल वैल्यू का आधा रह जाता है, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ. लाइफ है तो टाइम से रिलेटेड है. इट इज द टाइम पीरियड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका रिलेशन है, ए आफ्टर टाइम टी, ए एंड टी इज इक्वल टू जीरो माइनस के टी. अब यहाँ पर आफ्टर टाइम टी कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, तो ए इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू, और टी की जगह क्या लिख देंगे, टी हाफ से डिनोट करते हैं इसको. तो हाफ लाइफ आपका क्या हो गया, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के. और ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है,
derive the relation for half life of zero order reaction. तो आपको ये relation पूरा पिछले वाले से derivation से relate करते हुए आपको t half तक का derivation करना है, ठीक है? इस तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पे पहले initial concentration है, जैसे जैसे time बढ़ता गया तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होती गई. अब आप देखें जितने टाइम में ये अपने इनिशियल वैल्यू का आधा हो गया, यहाँ बॉल से रिप्रेजेंट किया है तो अगर आप बॉल को काउंट करेंगे तो उसके हिसाब से ये बॉल जो है वो आपको हाफ हाफ के ही फॉर्म में दिखाई देंगी, ठीक है? तो जितने टाइम में हाफ हो गया उसको कहा टी हाफ, फिर दोबारा इतने से जितने टाइम में हाफ हो गया ये इसका टी हाफ, फिर इतने से जितने टाइम में हाफ हो गया. इस तरीके से हम ए नॉट बाई टू, ए नॉट बाई फोर, ए नॉट बाई एट करके अलग अलग हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे, ठीक है? तो पहले आप बताइए कि जीरो ऑर्डर जो है वो आपका क्लियर हो गया है क्या? ठीक है, अगर जीरो ऑर्डर क्लियर हो गया है तब हम आगे फर्स्ट ऑर्डर पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा. तो आप जीरो ऑर्डर आज कंप्लीट करिए, फिर हम कल फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? थैंक यू.